सूर्य पृथ्वी से काफ़ी दूर है, फिर भी धरती पर इसकी ऊर्जा और क्षमता काफ़ी महसूस की जाती है। इसके पीछे मुख्य कारण है सूर्य पर होने वाले नाभिक के क्रियाएं और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसी क्रिया का स्रोत बनाकर धरती पर एक सूर्य जैसी संरचना की कोशिश की जा रही है। अनुमान लगाइए, अगर सूर्य जैसी संरचना धरती पर बन गई तो हमारी ऊर्जा की ज़रूरतें कितनी आसानी से पूरी हो पाएगी। तो इसी प्रोजेक्ट इटर के प्रोजेक्ट पर आधारित एक गेम है जिसका नाम है ऑपरेशन टोकामैक। तो आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि इस न्यूक्लियर फ्यूजन बेस्ड गेम को कैसे खेला जाता है। तो चूंकि अगर आप इस कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं जो नेशनल साइंस गेमिंग कंपटीशन है, तो उसके लिए आपको अपने गूगल में सर्च करना है ASC रंका। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ऊपर वाले पोस्ट पर जाना है और नीचे आप जाएंगे तो आपको इससे संबंधित नियम कानून मिलेंगे और नीचे इस गेम को डाउनलोड करने के लिए लिंक दिए हुए हैं। तो आप जैसे इस लिंक को टच करेंगे आप प्ले स्टोर पर फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। जैसे ही आप वहां जाएं इस गेम को डाउनलोड कर लें, हमने पहले ही डाउनलोड करके रखा है, तो हम सीधे गेम में ओपन होते हैं। अगर आप इस कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं तो आपको इस गेम को खेलने से पहले अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना होगा ताकि ये जान सके कि आपने ही ये गेम को अच्छे से खेला है। फिर आपको मीडियम लेवल गेम में जाना है। अब हम लोग देखते हैं कि इस गेम को खेला कैसे जाता है। तो आपको दाएं और बाएं में दो बटन दिए हुए हैं, एक बटन है हीटिंग पावर के लिए और दूसरा है मैग्नेटिक पावर के लिए। तो हीटिंग पावर वाले से हीट को बढ़ाने और घटाने की क्षमता है और मैग्नेटिक पावर से सेम घटाने और बढ़ाने का। तो चूंकि मैंने बताया है कि सूर्य जैसी संरचना बनाने की कोशिश हो रही है, तो इतने हाई टेम्परेचर पर किसी मशीन को सस्टेन करवाना पॉसिबल नहीं है। तो इतने हाई टेम्परेचर वाले प्लाज्मा को किसी भी वाल के टच होने पर वो पूरा मशीन ब्रस्ट हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम हीट तो बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि हमें इस गेम में 200 तक मैक्सिमम जाना है, तो हम लोगों को इधर से हीट बढ़ाते रहना है। साथ ही साथ ये ध्यान देना है कि इतने हाई टेम्परेचर वाले प्लाज्मा को इस मशीन के वाल जो आपको ब्लैक कलर के दिख रहे हैं उसमें टच नहीं होने देना है। अगर यह टच होता है तो यह डैमेज होगा। जो ऊपर के लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिख रहा है रेड जोन में, तो जितना ज़्यादा यह रेड जोन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा यह मशीन ख़राब होता जाएगा। साथ ही साथ आप यह देख पाएंगे कि नीचे आपको लो और हाई दिख रहा है, तो आपको इसमें कन्फाइन करने की कोशिश करना है। और आपने यह भी सुना होगा कि सूर्य पर काले धब्बे होते हैं, तो उसी टाइप की संरचना इसमें भी आएंगी जो हीट को ऑब्जर्व कर लेती है, तो आपको इन्हें हटाना भी है। तो इस तरह से इस गेम को खेलना है। सूर्य जैसी संरचना है जो काफ़ी हाई टेम्परेचर पर है, इसे टेम्परेचर तो बढ़ाते जाना है क्योंकि हमें एनर्जी जनरेट करनी है। साथ ही साथ इसे कन्फाइनमेंट करके रखना है मैग्नेटिक पावर के द्वारा, क्योंकि इस मशीन में लगने वाले मैग्नेट काफ़ी हाई पावर के हैं और काफ़ी क्षमतावान हैं। तो इस गेम को खेलते हुए आपको 200 तक जाना है। आपको टाइम लिमिट दिया हुआ है। आपको इस तरह से खेलते हुए ध्यान रखना है कि कितना अच्छा अचीव कर सकें। तो हम लोग खेलते जाते हैं। आपको एक विशेष बात यह बताना चाहूँगा कि जिस मशीन पर यह आधारित है उस मशीन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को बनाने में 35 देश लगे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़े बड़े देश अमेरिका, चाइना, जापान, रसिया, इंडिया, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन आदि बहुत सारे देश लगे हुए हैं। अगर इतने सारे देश लगे हुए हैं तो निश्चय ही यह प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है और इंडिया के लिए मेगा साइंस प्रोजेक्ट है। और इतने बड़े प्रोजेक्ट को करना किसी भी एक देश के लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए बहुत सारे देश इसमें लगकर काम कर रहे हैं। अगर यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो हमें कोयला और पेट्रोलियम के लिमिटेड होने पर जो चिंताएं हैं, जो उनसे फैलने वाले पोल्यूशन से चिंताएं हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इससे काफ़ी हाई एनर्जी जनरेट होगी। इसमें हम लोग 50 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देंगे और रिटर्न में हमें 500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलने की क्षमता होगी, ऐसा इटर द्वारा बताया गया है। चूँकि यह प्रोजेक्ट काफ़ी पहले से चल रहा है, तो क्योंकि यह काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का जो भार बताया जा रहा है एफिल टावर के भी भार से
तीन गुना ज़्यादा है। आपने एफिल टावर को देखा ही होगा कितना ज़्यादा बड़ा दिखता है। तो अभी ये गेम ओवर हो गया, उसे आप जो स्कोर था उसे स्क्रीनशॉट ले लेना था। फिर से हम लोग एक और गेम को देखते हैं कैसे इसमें होता है। हमने ये हिट बढ़ाया, इधर से मैग्नेट से भी कन्फाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा टच हो गया, फिर थोड़ा सा कन्फाइन कर रहे हैं, अभी ये लेफ्ट साइड बढ़ रहा है, फिर से हम थोड़ा हिट बढ़ाएंगे, थोड़ा मैग्नेट बढ़ाया, कंटिन्यू जा रहा है। तो इंडिया से इस प्रोजेक्ट को करने की जो जिम्मेदारी है इटर इंडिया को मिली है, जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है। तो भारत ने भी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट में हाथ लगाया है जिससे भारत की बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें भारत ने अपने सहयोग कर रहे हैं, जैसे 30 मीटर टेलीस्कोप हो गया, इसका हो गया, स्क्वायर किलोमीटर एरे हो गया, फेयर हो गया, INO हो गया, और आपने सर्न का नाम तो सुना ही होगा जिसमें गॉड पार्टिकल की खोज होती है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, आपने LIGO सुना होगा, जो भारत को विश्व में विज्ञान के क्षेत्र में खड़ा कर रहे हैं और बाकी देश भी इसमें सहयोग दे रहे हैं। मैं ऐसा आशा करता हूं कि यह जो गेम है ऑपरेशन टोकामैक, जो न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड है और टोकामैक जो मशीन है उसको समझाने के लिए काफ़ी इनफ है। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से वो मशीन काम करेगा, किस तरह से उतनी हाई टेम्परेचर को हम लोग सस्टेन करा पाएंगे। क्योंकि जब भी हम लोग इस इटर प्रोजेक्ट को किसी को समझाते हैं तो उनके मन में पहला क्वेश्चन आता है कि सूर्य को किसी मशीन में रख पाएंगे क्या? तो उसका सीधा सीधा जवाब है कि उतने हाई टेम्परेचर को मैग्नेट के द्वारा कंट्रोल करेंगे, क्योंकि यह प्लाज्मिक स्टेट में होगा और प्लाज्मा के स्टेट में होने की वजह से हम लोग ऐसा कर पाएंगे। और ऐसा कर पाएंगे या नहीं ये तो अभी थ्योरेटिकल देखा गया है, प्रैक्टिकल होना अभी बाकी है। तो कंटिन्यूसली हम इस गेम को और अब देखते हैं। तो कन्फाइन करते रहना है, हीट बढ़ाते रहना है, यही दो मेन कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने आपको पिछले वीडियो इटर किया है उसमें भी बताया था। अगर आपने उसे अच्छे से देखा होगा तो आपको इस वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। हालांकि बहुत सारे लोगों की ऐसी डिमांड थी कि कैसे वीडियो गेम को खेलना है, इस गेम को कैसे खेलना है, तो हमने इस वीडियो को आप लोगों के बीच जारी किया है। तो आप इसका भी बेनिफिट लीजिए, आप सीखिए किस तरह से यह हीटर का टोकामैक खेला जाता है। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको इस गेम के लिए, इस गेम में भाग लेने के लिए। तो बहुत बहुत सारे लोगों को इस गेम के बारे में बताइए। हमारा जो उद्देश्य है कि किस तरह से ज़्यादातर लोगों के बीच ऑपरेशन टोकामैक गेम को पहुँचाएँ, किस तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन के साइंस को पहुँचाएँ, तो आप इसे ज़रूर पहुँचाइए, लोगों को शेयर कीजिए। तो आप इसे देखते जाइए। थैंक यू।